हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आज हमारा लेक्चर ऑक्सी मर्कुलेशन डी मर्कुलेशन में। हम लोग पढ़ रहे हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्किन, जिसमें मैंने आपको दो ऑलरेडी पढ़ा रखा है। पहला एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, जिसमें आपने देखा कार्बोकैटायन से जाता है, रीअरेंजमेंट करता है, और आज दूसरा सीखने वाले तीसरा सीखने वाले हैं ऑक्सी मर्कुलेशन डी मर्कुलेशन। दूसरा था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जो मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। सो आज यहाँ पे देखेंगे कैसे हाइड्रेशन ऑफ एल्किन ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन से होता है। तो जैसा कि नाम ही में आप देख पा रहे हो, दो पार्ट है, एक पार्ट है ऑक्सीमर्कुरेशन, दूसरा पार्ट है डीमर्कुरेशन। तो इसमें जाने से पहले मैं समझना ये जरूरी है कि इसमें कौन सा रिएजेंट लगता है, रिएजेंट का नाम क्या है, ठीक है। सो हम लोग लेंगे दो टाइप, यहाँ पे दो रिएजेंट की जरूरत पड़ती है। एक रिएजेंट का काम होता है ऑक्सीमर्कुरेशन करना और दूसरे का काम होता है डीमर्कुरेशन करना। तो पहला स्टेप जब हम करेंगे तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ऑक्सीमर्कुरेशन, ठीक है, जिसमें मरकरी क्या होता है, ऐड होता है। तो ऑक्सी मर्क्यूरेशन जो किया जाता है उसका रिजेंट होता है मर्क्यूरिक एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ ए पर्टिकुलर न्यूक्लियोफाइल, जिसका भी आपको अटैक कराना होगा। अगर आप चाहते हो कि प्रोडक्ट एल्कोहल बने तो पानी का अटैक कराना, अगर आप चाहते हो प्रोडक्ट ईथर बने तो आप एल्कोहल का अटैक कराना, चाहते हो प्रोडक्ट अमीन बने तो उसमें आप अमोनिया का अटैक कराओगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ प्रोडक्ट न्यूक्लियोफाइल हम चूज करते हैं। तो इसका जो रिएजेंट होता है वो होता है मर्क्यूरिक एसीटेट, एच जी ओ ए सी का होल ट्वाइस, मतलब ये एसी क्या है, एसीटेट होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल, दिस न्यूक्लियोफाइल में बी वाटर, ये वाटर हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, या तो आप कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले सकते हैं, एल्कोहल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन, मैंने बोला ना, डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ प्रोडक्ट, आपको किस प्रोडक्ट की जरूरत है उसके हिसाब से हम रिएजेंट यहाँ पे डालते हैं न्यूक्लियोफाइल को। ऑक्सीमर्कुरेशन में मर्क्यूरिक एसीटेट तो रहेगा ही रहेगा, अगला जो प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रिएजेंट का एडिशन करेंगे, ठीक है, ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप जो है वो है डीमर्क्यूरेशन, ठीक है। डीमर्क्यूरेशन में क्या होता है, हम मरकरी को बाहर निकालते हैं, पहले मरकरी का एडिशन करते हैं और फिर मरकरी को क्या करेंगे, बाहर। तो बाहर करने के लिए जो रिएजेंट यूज होता है वो है हमारा सोडियम बोरोहाइड्रेट हाइड्राइड, ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ टीएचएफ सॉल्वेंट। ये क्या करता है, मरकरी को बाहर फेंक देता है, ठीक है, मरकरी को बाहर फेंक देता है। तो यहां से आपको मिलेगा कि एच का एडिशन होगा और यहां से आपका न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा। तो हम देखेंगे कि एक पार्ट हमारा जो है वो ऑक्सीमर्कुरेशन से आता है और दूसरा पार्ट हमारा कहां से आता है, डीमर्कुरेशन से। ये तो रिएजेंट की कहानी हुई। अब इसके बाद देखना है कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आइए देखते हैं ऑक्सीमर्कुरेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, ठीक है। ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन को देखो शॉर्टकट में बोल रहा हूं क्या लिखा जाता है, अब शॉर्टकट यूज करेंगे, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, मतलब ओडीएमडी। ODMD का फुल फॉर्म क्या हुआ, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। द सबसे पहला जो यहाँ पे आपका आएगा पॉइंट, पॉइंट वाइज सब नोट करेंगे, द फर्स्ट पॉइंट, इट फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल, ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इट फॉलोज मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ। तो या सीधा सीधा हो गया, रूल बता रहा है मार्कोनिकॉफ फॉलो करता है, इसका सिंपल मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होगा, नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम होगा, ये क्लियर हो चुका है। दूसरा पॉइंट जो है, इट प्रोसीड थ्रू साइक्लिक इंटरमीडिएट, इट प्रोसीड थ्रू साइक्लिक इंटरमीडिएट। अब जहां पे भी साइक्लिक आएगा मतलब कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, आपको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि दो टाइप का मैकेनिज्म होता है, पहला कार्बोकैटायन और दूसरा साइक्लिक्स है। तो इसमें कार्बोकैटायन तो नहीं बनेगा, नो कार्बोकैटायन, नो कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन नहीं बनेगा तो चौथा बात अपने आप क्लियर हो गया कि रीअरेंजमेंट भी नहीं होंगे, नो रीअरेंजमेंट्स। तो इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा, मतलब जहां पे डबल बॉन्ड होगा वहीं पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, बस देखना ये मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। ऑक्सीमर्कुरेशन मार्कोनिकॉफ फॉलो करता है, हाइड्रोबोरेशन भी मार्कोनिकॉफ ही फॉलो करता है, बट वहां पे आपको जो प्रोडक्ट दिखा था वो लुक लाइक एंटी मार्कोनिकॉफ, बट एक्चुअल रिएक्शन इज मार्कोनिकॉफ। मैंने दिखाया था बोरान हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको समझाया था, यहां सिंपल सी बात है बस।
फिफ्थ पॉइंट जो है, इट गिव एंटी एडिशन, मतलब कि पॉजिटिव और निगेटिव पार्ट जो होंगे वो दोनों अपोजिट फेस से आएंगे, जबकि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन एंटी करता है, और इसका जो दूसरा पार्ट है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वो सिन एडिशन करता था। आपने देखा था दोनों सेम साइड से आए थे, तो वो सिन एडिशन करता है और ये करता है एंटी एडिशन। तो ये पांच इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन के, जो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, और यही पांचों को अप्लाई करके हम लोग आगे रिएक्शन करने वाले हैं। सो ऑल दीज फाइव पॉइंट्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू कंक्लूड द हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। अब करेंगे हम लोग पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म और उसके सारे पैटर्न्स, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, तो आप लोग सबको छाप लो, आगे चलते हैं। अब जो मुझे बताना है आपको रिएक्शन, ठीक है। अब मैं कोई भी रिएक्शन ले लेता हूँ, मान लीजिए सपोज करो एस चालू करते हैं प्रोपीन से, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसका हम क्या करेंगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखूंगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें क्या डालेंगे, पहला स्टेप जो होगा वो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन होगा। द फर्स्ट स्टेप इज HgOAC का होल ट्वाइस फॉलोड बाय वाटर, हम यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल पानी लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम हाइड्रेशन करना है। एंड दूसरा जो है हमारा वो डीमर्क्यूरेशन NaBH4 इन द प्रेजेंस ऑफ THF सॉल्वेंट। हमारा जो प्रोडक्ट यहाँ बन के आएगा ताज़ा ताज़ा, वो प्रोडक्ट होगा सेकेंडरी अल्कोहल CH3CHOH। ये नॉर्मल फॉलो करता है, यहाँ पे आप देखोगे कि इस केस में आपको ये दिखाई देगा कि किनारे पे OH नहीं जुड़ता, मार्कोनिकाफ होने पे भी बीच में ही जुड़ता है, जबकि हाइड्रोबोरेशन में क्या हुआ था, किनारे जुड़ गया था, तो वहाँ थोड़ा सा डिफरेंट था, यहाँ थोड़ा डिफरेंट है। अब इसका मैकेनिज्म समझना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट वही है, मैकेनिज्म ही क्या है, मेन इंपॉर्टेंट है। तो मैकेनिज्म देखिए कैसे होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा रिएजेंट है इलेक्ट्रोफाइल का हमें करना पड़ेगा जनरेशन, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोफाइल बना नहीं तो रिएक्शन के बारे में ज़्यादा जानकारी हमें मिलेगी नहीं। तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा, पहले देखो रिएक्शन होता है किसका किसका, वी आर गोइंग टू रिएक्ट विथ HgOAC मर्क्यूरिक एसीटेट, ये है आपका मर्क्यूरिक एसीटेट, अच्छे से देख लीजिए, ये हमारा जो कंपाउंड, इसका नाम क्या, मर्क्यूरिक एसीटेट, ठीक। मर्क्यूरिक एसीटेट क्या होता है, वाटर के साथ टूटता है और बनाता है HgOAC, ठीक है, एक OAC रह जाएगा और इस पर आएगा पॉजिटिव पार्ट प्लस CH3C डबल OH प्लस OH माइनस, ठीक। यहाँ पे जो H2O है वो ऐसे टूट जाता है, जब एक मर्क्यूरिक एसिटेट टूटता है यहाँ पे मर्करी, तो निगेटिव पार्ट बन के निकलता है, और ये निगेटिव पार्ट क्या करेगा, यहाँ से इस पॉजिटिव पार्ट को ले लेगा और निगेटिव पार्ट को छोड़ देगा। तो आप देखोगे हमारा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ बन चुका है, इलेक्ट्रोफाइल हमारे यहाँ पे बन चुका है, और ये हमारा उसका न्यूक्लियोफाइल पार्ट है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल पार्ट है। अभी पहले स्टेप में हमें यहीं से स्टार्टअप लेना है, यहीं से हमारी कहानी क्या होगी, शुरुआत होगी। तो शुरुआत होगी तो कैसे शुरुआत होगी, जरा देखिए, अब जो मर्क्यूरिक एसीटेट है वो एल्कीन के साथ इंटरैक्ट होगा, क्योंकि मर्करी पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो होता क्या है, मर्करी का डी ऑर्बिटल भरा होता है, ठीक है ना, डी ऑर्बिटल क्या होता है, मर्करी का भरा होता है, क्योंकि ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि डी भरा हुआ है तो इसमें HG में क्या होगा, लोन पेयर होंगे, सारे लोन पेयर भरे होंगे। तो जैसे ही ये एल्कीन इस पर अटैक करता है, इसके जो लोन पेयर होते हैं डी ऑर्बिटल में, वो क्या करते हैं, इस कार्बन पर अटैक कर देते हैं। साइमल्टेनियस होने की वजह से क्या होता है, साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। देखो कैसे हमारा जो HG है वो बना लेगा साइक्लिक इंटरमीडिएट, ठीक है, साइक्लिक इंटरमीडिएट बना लेगा ऐसे HG, यहाँ पे OAC के साथ क्या होगा, जुड़ा होगा ये पॉजिटिव पार्ट, ये हमारा मर्क्यूरिक क्या क्या हो गया, साइक्लिक मर्क्यूरिक एसीटेट बन गया। साइमल्टेनियस रिएक्शन होने से क्या हुआ, ये साइक्लिक स्टेट में आ जाता है। अब हमने आपको बताया था जैसा ही साइकिल बन जाएगा, अब आपको साइकिल में देखना क्या है, जिधर का बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रेंड होगा, ठीक है ना। अब देखिए ये बॉन्ड लेस हिंडर्ड है, ये बॉन्ड क्या है, मोर हिंडर्ड। तो जहाँ मोर हिंडर्ड होगा वो बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रेंड है ना। वो क्यों स्ट्रेन आया, इन दोनों के रिपल्सन की वजह से क्या होता है, इस बॉन्ड में यहाँ रिपल्सन होता है, और रिपल्सन होने की वजह से क्या होगा,
ये बॉन्ड में आ जाएगा स्ट्रेन, तनाव। तनाव आने से बॉन्ड क्या होता है, वीक, और वीक होगा तो इस पर पॉजिटिव पार्ट आ जाएगा, इस पर क्या रहेगा, निगेटिव। तो ये बॉन्ड आपका होगा स्ट्रेंड, ठीक है, स्ट्रेंड। मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया था स्ट्रेन, और जिस बॉन्ड में स्ट्रेन आता है वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीकर। और जैसे ही ये वीक होगा, पानी इसी का इंतजार कर रहा था, OH माइनस, वो क्या करता है, ये बॉन्ड जैसे ही वीक होता है OH माइनस उसी पे जाके अटैक कर देता है जो बॉन्ड वीक होगा। तो वीक होते ये बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा, टूट के इसके पास आ जाएगा। तो हमारा जो नया बना स्पीसीज वो क्या बना, CH3CH OH CH2, और नीचे क्या रहेगा, HgOAC, है ना, ये बन जाएगा। मरकरी कहाँ चला गया, किनारे पे चला गया, ठीक है। ये स्टेप कहलाता है ऑक्सीमर्कुरेशन, दिस होल स्टेप इज कॉल्ड ऑक्सीमर्कुरेशन। इस पूरे स्टेप में क्या हुआ, ऑक्सीमर्कुरेशन हो गया, मरकरी ने एल्कीन को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, तो हमारा ऑक्सीमर्कुरेशन स्टेप हुआ कंप्लीट। जैसे ही ये ऑक्सीमर्कुरेशन अब कंप्लीट हो जाएगा, अगला स्टेप आएगा डीमर्कुरेशन का, मतलब कि अब मरकरी को निकाल के फेंकने की जरूरत है ना, मरकरी को निकाल के फेंकने की जरूरत है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डीमर्कुरेशन करेंगे। डीमर्कुरेशन में क्या होता है, हम यहाँ पे रिजल्ट लेते हैं, क्या आपको लिखा था, सोडियम बोरोहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन में, वही इस मरकरी को रिड्यूस कर देता है, एच माइनस देता है और उस मरकरी को निकाल कर फेंक देता है बाहर। तो आपको कैसे मिलेगा रिएक्शन, जरा ध्यान दीजिएगा, दिस इज CH3 CH CH2, यहाँ OH आके जुड़ा हुआ ऑलरेडी। नाउ दिस मरकरी इज रिलीज्ड बाय OAC रहेगा एसीटेट आयन। नाउ वी आर अटैकिंग विथ सोडियम बोरोहाइड्राइड, और सोडियम बोरोहाइड्राइड जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग, मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं, वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। जहाँ से H माइनस आता है, यहाँ से H माइनस आता है और इस पर अटैक करके इस मरकरी को हमेशा के लिए कर देता है बाहर। तो हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है CH3 CH OH, और यहाँ पे आ जाएगा CH3। ये आपको प्रोडक्ट दिखेगा बनता हुआ, क्योंकि H किनारे आ गया यहाँ हाइड्राइड से, और ये OH आ गया कहाँ से, मर्क्यूरिक एसीटेट से। तो H दिया है सोडियम बोरोहाइड्राइड ने और OH दिया है मर्क्यूरिक एसीटेट ने। तो इस रिएक्शन को कंप्लीट करते समय ध्यान देना है, क्योंकि फिर मैं साइक्लिक में कराऊंगा तो आपको दिखाई देगा। तो पूरा स्टेप अच्छे से देख लीजिए, ऑक्सीमर्कुरेशन कैसे हुआ, डीमर्कुरेशन कैसे हुआ। अब यहाँ ये मार्गोनिकाफ रूल फॉलो कर रहे, देखो पॉजिटिव पार्ट रिएजेंट का जो है, पॉजिटिव पार्ट कहाँ जुड़ा है, जहाँ हाइड्रोजन कम है, किनारे देखिए CH2 पे जुड़ा है, और नेगेटिव पार्ट जो OH माइनस था वहाँ जुड़ा है जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा था। तो मार्गोनिकाफ तो फॉलो कर रहा है, क्योंकि रिएक्शन साइक्लिक बन गया तो कार्बोकैटायन बनेगा नहीं, इसका मतलब ये रिएक्शन कार्बोकैटायन से नहीं जाता, ये सिंपल रिएक्शन है जो जाता है आपके साइक्लिक इंटरमीडिएट से। अब आपके दिमाग में एक तूफान चल रहा होगा, सर ये सिन और एंटीएडिशन की कहानी जरा समझा दीजिए ना। बिल्कुल समझा देते हैं, अभी देखिए सिन और एंटीएडिशन कैसे होता है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ साइक्लोहेक्सीन का, ठीक है, और पीछे एक रिएक्शन नहीं समझाया था, दोनों को यहीं समझा दूंगा, ठीक। ऑक्सीमर्कुरेशन और डीमर्कुरेशन, और एक था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। पहले देखो हाइड्रोबोरेशन मैंने लिखवाया था, वो सिन एडिशन देता है ना, तो यहाँ पे हम लोग पहला स्टेप लेते हैं हाइड्रोबोरेशन वाला। तो हमने किया था BH3, ठीक है, फॉलोड बाय H2O2 in बेसिक मीडियम। तो देखो बच्चों होगा क्या, इसमें ऐसा हुआ था, याद होगा आप सभी को कि रिएक्शन होता है मार्गोनिकाफ बट दिखता है एंटी मार्गोनिकाफ, है ना। तो OH कहाँ आया था, OH जो आता है दैट इज कम्स टू द लेस हिंडर्ड पॉइंट लाइक एंटी मार्गोनिकाफ, और जो H होगा वो कहाँ आएगा, मोर हिंडर्ड पे। बट क्योंकि ये सिन था तो H और OH दोनों सेम फेस से आते हैं, और जहाँ मेथिल था वो मेथिल कहाँ चला जाएगा, वो जाएगा बिलो द प्लेन, दिस इज बिलो द प्लेन। तो आपने देखा यहाँ पे कि हमारा जो रिएक्शन हुआ है उसमें दोनों पार्ट जो एल्कीन से रिएजेंट से आते हैं वो दोनों सेम फेस पे हैं, इसीलिए इसको सिन प्रोडक्ट कहा जाता है। ये रिएक्शन क्या हो गया, सिन एडिशन दे रहा है, क्योंकि बोथ इनकमिंग स्पीसीज कम्स फ्रॉम द सेम प्लेन। एक यहाँ हाइड्रोजन होगा बट वो बिलो द प्लेन होगा, क्योंकि एक ही एटम प्लेन के ऊपर हो सकता है, यहाँ का हाइड्रोजन कहाँ होगा, बिलो द प्लेन, क्योंकि यहाँ पहले एक हाइड्रोजन ऑलरेडी था, है ना।
क्या देखा, या तो दोनों एच ओ एच ऊपर से आएंगे या तो दोनों एच ओ एच बिलो द प्लेन आएंगे, तभी आप सिन कहोगे। अगर एक ऊपर और एक नीचे से आया तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी। एंटी का एग्जाम्पल हमारा ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन है। तो आइए इसको भी दिखा दें आपको सेम रिएक्शन में। तो यहाँ क्या होगा बच्चों, हम रिएजेंट यूज करेंगे, पहला हमें हमारा मर्क्यूरिक एसिटेट HgOAc का होल ट्वाइस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर फॉलोड बाय सोडियम बोरोहाइड्राइड। बोरो की जगह हम ड्यूटीरियम ले लेते हैं, ठीक है। जैसे अभी एच तो पहले से ही होगा तो आप पहचान नहीं पाओगे, इसलिए हम ड्यूटीरियम हाइड्राइड ले लिए, कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ड्यूटीरियम भी हाइड्रोजन का ही भाई है। तो क्या होता है, मैंने आपको भी बताया था, यहाँ से डी माइनस जाएगा और यहाँ से ओ एच माइनस जाएगा, और क्योंकि एंटी एडिशन है तो ओ एच और डी आपस में हमेशा एंटी पे जुड़ेंगे, बट मार्कोनिकॉफ फैशन में, है ना। तो मार्कोनिकॉफ फैशन में यहाँ के कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो मोर हिंडर्ड पे जाएगा ओ एच नेगेटिव पार्ट और लेस हिंडर्ड पे जाएगा हमारा डी, ठीक है। तो यहाँ मोर हिंडर्ड हमारा क्या हो गया, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर हम देखें कि ओ एच यहाँ आके जुड़ा है ना, ओ एच मोर हिंडर्ड पे आके जुड़ेगा ओ एच, तो पक्का है डी बिलो द प्लेन जाके जुड़ेगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, एंटी, और हमारा जो मेथिल था जो ऊपर होगा वो उसके नीचे रहेगा। तो यहाँ पे आपका जो ओ एच और डी रिएजेंट से आया है वो अपोजिट प्लेन पे है, इसीलिए इसको हम लोग एंटी प्रोडक्ट भी कहते हैं या एंटी एडिशन भी कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, वहाँ पे होता है मार्कोनिकॉफ ही है, बट ओ एच लेस हिंडर्ड पे जुड़ता है, क्योंकि जहाँ बुरान होता है वहीं पे ओ एच आता है ऑक्सीडेशन करके। बट इसमें क्या होता है, जहाँ मरकरी होता है वहाँ पे एच आता है, तो जहाँ मरकरी है वहाँ एच आएगा, तो ड्यूटेरियम ये तो डी आया, तो ओ एच और डी आपस में कहाँ है, अपोजिट प्लेन पे, इसीलिए इसको बोलते हैं एंटी एडिशन। यहाँ दोनों सेम प्लेन पे थे इसलिए इसका क्या नाम था, सिन एडिशन। बट बोथ आर फॉलोइंग मार्कोनिकॉफ रूल, बोथ फॉलोइंग मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। दोनों में मार्कोनिकॉफ रूल ही फॉलो कर रहा है, बट प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है उल्टा बनते हुए, उसका रीजन मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया हूँ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी और एग्जाम्पल करेंगे, सबका मिक्स करके एग्जाम्पल करेंगे। चलो सभी लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन बताओ, समझ आया, यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं सभी को, क्योंकि अब इस पर ख़त्म होने वाला है, इस पर बस क्वेश्चंस बचे हैं, तभी हम लोग करेंगे वो भी कि कैसे उसके क्वेश्चंस डील करे जाते हैं, क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, उन सब पे हम भारी बात करेंगे अभी तुरंत। सो आई विश कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो तैयार हो जाओ क्वेश्चन के लिए, पहले ऑक्सीमर्कुरेशन का ही क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो दोनों को हम कंपेयर करके चलेंगे, हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीमर्कुरेशन में, जैसे तीनों कंपेयर करते चलते हैं ना, तीनों को एक ही रिएक्शन देंगे और तीनों कंपेयर करेंगे, ठीक। मैंने आपको ये दिया, इसमें हम डाल देते हैं H2O H+, तो प्रोडक्ट क्या बनता है, H2O कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। दूसरा डालते हैं B2H6 फॉलोड बाय H2O2 इन अल्कलाइन मीडियम, और तीसरा रिजेंट जो हमारा अभी पढ़े हैं वो डाल देते हैं इसमें हम लोग मर्क्यूरिक एसिडेट HgOAc का होल ट्वाइस फॉलोड बाय वाटर देन सोडियम बोरोहाइड्राइड इन THF। तो आपके पास ये तीन ऑप्शन थे, अगर तीनों का आपसे प्रोडक्ट बनाने बोले थे, क्या तीनों का प्रोडक्ट सेम बनेगा, तीनों में से किसी का प्रोडक्ट सेम नहीं बनेगा। इस तीनों का रूल सेम है कि तीनों मार्कोनिकॉफ से जाएंगे, बट तीनों के प्रोडक्ट अलग होंगे। इसका प्रोडक्ट कार्बोकैटायन से जाता है तो रीअरेंज करेगा और आपको प्रोडक्ट मिलेगा मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल, ये आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि ये कार्बोकैटायन से जाता है, मैं लिखवा चुका हूँ। ये दोनों साइक्लिक रिंग से जाते हैं, बट इसमें प्रोडक्ट टर्मिनल पे मिलता है, इसमें प्रोडक्ट सेंटर में मिलता है। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा उसमें रीअरेंजमेंट होगा ही नहीं, और आपको प्रोडक्ट मिलेगा ये टर्मिनल पे 1 डिग्री अल्कोहल, या कह सकते हो प्राइमरी अल्कोहल। बट नीचे वाले में जब करोगे तो बनेगा तो डबल बॉन्ड पे ही, रीअरेंजमेंट तो यहाँ भी नहीं है, बट यहाँ पे क्या होगा, बीच वाले पे, है ना, यहाँ पे बनेगा बीच वाले पे। तो तीनों का देख लो बच्चों, रिएजेंट क्या है, अलग अलग है, प्रोडक्ट भी अलग अलग है, बट तीनों का रिएक्टेंट क्या है, सेम टू सेम। तो आप देखोगे एक में रीअरेंजमेंट होता है, दो में नहीं होता है, एकदम क्लियर कट प्रोडक्ट बन गया सबका, है ना। बट तीनों में कॉमन है मार्कोनिकॉफ, है ना, आप पीछे के रिएक्शन देखते चलिए। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, ये एक एग्जाम्पल हो गया, अब हम लोग करेंगे दूसरा एग्जाम्पल।
दूसरा एग्जांपल ये है, हम यहाँ पर लगाएंगे CH3, फिर इसमें तीनों लिखेंगे, ठीक है, तीनों रिएक्शन कराएंगे। पहले वाले में डालेंगे इस बार हम लोग B2H6 फॉलोड बाय H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन मीडियम। दूसरे वाले में डालेंगे हम लोग मर्क्यूरिक एसिडेट HgOAC का होल ट्वाइस फॉलोड बाय वाटर देन ट्रीटमेंट विद सोडियम बोरोहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। एंड लास्ट वाले में हम लोगों को ऐड क्या करना है, H2O या डाइल्यूट H2SO4 H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H+, और आपको बनाना तीनों का प्रोडक्ट है ना। तीनों रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाया, अब इन तीनों का क्या करना है, रिलेटिव कंपैरिजन। तो रिलेटिव कंपैरिजन करेंगे तो कैसे पता चलेगा, इसमें हमेशा हमें पता है कोई रीअरेंजमेंट होना नहीं है सर, तो प्रोडक्ट जहाँ बनेगा टर्मिनल पोजिशन पर वह जोड़ देंगे, बाकी जो जहाँ था वहीं रहेगा, कोई चेंज नहीं करना है, जो जहाँ था वहीं रहेगा, कोई चेंजेज इसमें हमें करना ही नहीं है। दूसरे वाले में क्या स्थिति है, दूसरे वाले की जो स्थिति है उसमें बस होता है डबल बॉन्ड पे ही प्रोडक्ट बनता है, बट सेंट्रल में रीअरेंजमेंट तो यहाँ भी नहीं होता है, तो इन दोनों में डिफरेंस एक टर्मिनल बनाता है और एक सेंट्रल बनाता है। और जो लास्ट वाला है वो रीअरेंज करके मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन से जाता है, तो इसमें आपको प्रोडक्ट मिलेगा ये बना हुआ, मेथिल शिफ्ट करके यहाँ से यहाँ आ जाएगा। आप इसको बना के देखिए, कैटायन पहले यहाँ बनेगा, फिर मेथिल माइग्रेट करके यहाँ से यहाँ जाएगा, कैटायन यहाँ आएगा, पानी जाके वहीं मिलेगा। तो तीनों में प्रोडक्ट हमें अलग अलग मिले। इन ऑल दीज थ्री रिएक्शन वी आर गेटिंग थ्री डिफरेंट प्रोडक्ट साइमल्टेनियसली। है ना, दिखाई दे रहा है, एकदम आसान है, आपको बस तीनों को कंपेयर करके देखना। तीनों मैंने पढ़ा है, तीनों रिलेटिव कंपेरिजन याद रखिए, और एग्जाम्पल करते हैं। अब आपको जो भी एग्जाम्पल करते जाओगे, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल ये दे दिया ये, और आपसे पूछा चलो भैया हमने यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनाया, ठीक, वी आर ऑब्टेनिंग दिस प्रोडक्ट, देन लेट मी नो व्हाट इज द रिएजेंट। अगर इससे हमें ये प्रोडक्ट मिलता है तो यहाँ रिएजेंट क्या डाला गया होगा, है ना, रिएजेंट क्या डाला गया होगा बताते रहना है, ठीक। और हम दूसरा डालें, एक और प्रोडक्ट बना लिए, एक रिएजेंट और डालते हैं, उससे हमें ये प्रोडक्ट मिलता है ये वाला, तो क्या रिएजेंट डाला गया होगा। और एक और रिएक्शन है जिसको हम लोग डालेंगे एक रिएजेंट, तो हमें प्रोडक्ट ये मिलेगा ये वाला। तो अगर आपसे पूछा जाए तीनों में रिएजेंट फिल करिए, तो आप लोग फिल कर लेंगे, तो अगर फिल कर लेंगे तो चीज़ें कमेंट करिएगा, ए क्या होगा, बी क्या होगा और सी क्या होगा, आपको रिएजेंट बताना है सबका, ठीक है। तो ऐसे आपका कंप्लीट होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन, और तीसरा आपका कैटालाइज एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्किन। ये तीन टॉपिक मैंने क्या किया, आपका कंप्लीट कर दिया। ये तीन टॉपिक आपको पता चलना चाहिए, अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि हमने हाइड्रेशन ऑफ एल्किन कंप्लीट करी है। अब कुछ साइक्लिक सिस्टम में भी क्वेश्चन कर लेते हैं, ये तो मान ओपन चेन था, साइक्लिक में आया तो कैसे करेंगे, इसको आपका काम है, इसको फिल करिएगा, ठीक है, सारे ऑप्शन 1, 2, 3 बताइएगा जरूर, ठीक। आइए कुछ साइक्लिक सिस्टम में देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया एक सिस्टम साइक्लोपेंटेन, ठीक है, साइक्लोपेंटेन डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया। अब यहाँ से आपको प्रोडक्ट बनाने हैं, अब आपको प्रोडक्ट में बना के दे रहा हूँ, आपको बस रिएजेंट फिल करते चलना है कि किस वाले में कौन सा रिएजेंट लगा सकते हैं, ठीक है। ये तो त्रिशूल बन गया, अच्छी बात है, अच्छी चीज़ है त्रिशूल भी। हम यहाँ पे देखेंगे हमारा प्रोडक्ट ये बन गया, वी आर ऑब्टेनिंग दिस प्रोडक्ट, है ना, दिस प्रोडक्ट, एंड हेयर वी आर ऑब्टेनिंग दिस वन, है ना, दो ही लगाते हैं तीसरा नहीं, क्योंकि दो रिएजेंट का प्रोडक्ट सेम बनेगा, तो बस दो ही से काम चला लेते हैं। क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा ये आपको यहाँ पे बता के दिखाना है, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। आपको यहाँ रिएजेंट ए क्या होगा और बी क्या होगा मेंशन करना है, ए और बी को मेंशन करना है कि ए क्या रहा होगा और बी क्या रहा होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हम लोग यहाँ लगाएंगे पीएच, मतलब फेनाइल ग्रुप, यहाँ रहेगा डबल बॉन्ड, इस पर हम लोग डालेंगे कोई रिएजेंट, है ना, कोई रिएजेंट जो हमें ये प्रोडक्ट देगा, बनाना तो अल्कोहल ही है, जो हमें ये प्रोडक्ट देगा, यहाँ पीएच प्लेन के ऊपर रहेगा, पीएच रहेगा प्लेन के ऊपर, और यहाँ नीचे जाएगा क्या एच, और यहाँ नीचे जाएगा ओएच, ओएच इसमें क्या रिएजेंट डालेंगे आपको ये भी बताना है। और इसके बाद नेक्स्ट हमारा कोई स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं रहेगा,
सीधा रिएक्शन रहेगा पीएच ओएच, इसका क्या रिजल्ट लेंगे आपको ये बताना है, ठीक है। सो ये आपको ये भी बताना है क्वेश्चन और ये भी बताना है। सो ऑल सारे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और हमें बताइएगा कि आपका करस्पॉन्डिंग क्या प्रोडक्ट मिला, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हमने तीनों आपको कंप्लीट कराया। फिर जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन जो कार्बोकैटायन से जाते हैं रीअरेंजमेंट करते हैं, मोस्ट स्टेबल एल्कीन एल्कोहल इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, जिसका आप में H2O H+ या डायल्यूट H2SO4 या तो हमने रिजल्ट लिया था H3O+, ठीक, उसमें रीअरेंजमेंट होता है। दूसरा हमने पढ़ा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जो रूल मार्कोनिका फॉलो करता है बट प्रोडक्ट एंटी मार्कोनिका बनता है, मतलब प्रोडक्ट हमेशा टर्मिनल पे बनेगा, कोई कार्बोकैटायन नहीं बनता, साइक्लिक इंटरमीडिएट से आता है, इसीलिए आपका इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, प्रोडक्ट हमेशा टर्मिनल पे बनेगा। सीन एडिशन देता है, मतलब दोनों प्रोडक्ट जो बनेंगे निगेटिव पार्ट और पॉजिटिव पार्ट वो सेम फेज से आएंगे, इसलिए सीन एडिशन है। और तीसरा आपने पढ़ा आज ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन, जो बताता है मार्कोनिकाफ रूल को फॉलो करना है, बताता है कि हम कार्बोकैटायन से नहीं जाते हैं तो रीअरेंजमेंट मत करिएगा। इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है, सेंट्रल वाला विदाउट रीअरेंज, जहां डबल बॉन्ड है वहीं बनेगा, और ये एंटी एडिशन है, मतलब एक पॉजिटिव पार्ट ऊपर से आएगा तो निगेटिव को पक्का नीचे से आना है, दोनों सेम फेज से नहीं आते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। सो ये कंप्लीट हो गया, अब अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट टॉपिक जैसे हैलोजनेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन पे हैलोजन का एडिशन करेंगे, ब्रोमीन का एडिशन, ब्रोमीन वाटर का एडिशन, इंटरहैलोजन कंपाउंड का एडिशन, NBS का एडिशन, ये सारी बातें हम करेंगे आगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, थैंक यू।